वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो नबीला चेंजेस। मैं हूँ आयशा अब्रार, लेकिन मैं हूँ ट्रांसफॉर्म्ड आयशा अब्रार। जी हाँ, नबीला चेंजेस का आपने जो पूरा वीक देखा है मंडे से लेकर आज फ्राइडे तक का, उसमें हमने आपको ये बताया था कल कि हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे, जिसमें आपको याद होगा शो के आखिर में मैंने बताया था कि मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म्ड जो है वो द ब्रेकफास्ट शो की होस्ट आपकी दोस्त को देख रहे हैं। एंड ये जो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है, एवरीथिंग इज डन बाय टीम नबीला, और हेयर कट से लेके हेयर कलर, कपड़े, नेल्स कैसे होने चाहिए, शूज़ कैसे होने चाहिए, ज्वेलरी कैसी होनी चाहिए, एवरीथिंग इज़ डन बाय टीम नबीला। मैं इसको एक्सप्लेन वैसे तो अपनी यू नो लैंग्वेज में कर सकती हूँ, मगर ज़्यादा अच्छा होगा अगर नबीला खुद बताएं कि क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड थे मुझ में, और क्या क्या चीज़ें जो है वो उन्होंने चेंज की हैं टू ब्रिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहूँगी द अमेजिंग हेयर गुरु एंड यू नो मेकअप माइस्ट्रो नबीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेल, इसमें वो कहते हैं प्लेजर इज ऑल माइन, तारीफ इज ऑल योर्स बट प्लेजर इज ऑल माइन। यस, सो मुझे ये बताइए नबीला कि जब आपने चार दिन मेरे साथ गुजारे थे, यू नो एक दूसरे को आप देखते हैं एंड ऑफ कोर्स ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको क्या लगा था कि किस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी चेंज की? ओके, सो यू लुक ब्यूटिफुल, यू नो माशाल्लाह योर हाइट एंड आपने अपने आपको मेंटेन किया हुआ है, योर फिगर एंड योर स्किन एंड योर हेयर, एवरीथिंग इज़ ब्यूटिफुल। सो लेकिन हर एक के अंदर कोई गुंजाइश होती है कि नेक्स्ट गियर लगाएं और नेक्स्ट अपना बार रेज करें। सो आई फेल्ट के द हेयर कुड हैव गॉन अ लिटिल शॉर्टर, और ज़्यादा नहीं, हमने 2 इंच काटे हैं, लेकिन यहाँ और यहाँ के जो 2 इंच हैं सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और एकदम से लिफ्ट हो गई आपकी जो पूरी अपलिफ्ट हो गई एक एनर्जी। एंड देन द हेयर कलर वॉज ऑलमोस्ट सिमिलर कलर्स, बट उसकी जो प्लेसमेंट है, हमने रूट्स डार्क करके और इसके फेस फ्रेमिंग जिसको मनी पीस भी कहते हैं कि है, विच इज़ मोर करंट, मोर ट्रेंडी एंड इट लुक्स, इट सूट्स योर फेस। वी मे नीड टू टोन इट अ लिटिल बिट, आप देखें 2-3 दिन में आपको कैसे फील होता है वॉश करके, बट ठीक टोनिंग तो हमारे हाथ में 5 मिनट में हो सकती है। ठीक है। एंड इवन द मेकअप वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, बट आज अगर आपने देखा होगा मैंने आपके आईज पे थोड़ा सा एम्फेसाइज किया, आई वॉन्टेड टू लिफ्ट इट अ लिटिल एंड डिफाइन इट अ लिटिल, वी एडेड सम ट्रिक्स। ट्रिक्स मैं शेयर कर सकती हूँ ऑडियंस के साथ? बिल्कुल मैं कर सकती हूँ, आप ना करना चाहें। मैं बिल्कुल करना चाहती हूँ, बिकॉज देखें होता ये है कि जब मैं कभी भी कोई भी मेरा मेकअप करता है, तो वो कभी कोई स्पेशल ओकेजन होती है या कोई ईद की ट्रांसमिशन होती है, तो समबडी इज लाइक कि मैं आपकी आईलैशेस लगा दूँ, मैं कहती हूँ प्लीज नहीं, क्योंकि वो इतनी बड़ी बड़ी फेक आईलैशेस जब पूरी पूरी लगती है तो ऐसा लगता है जैसे एक तो स्क्विंट लुक आता है, यानी लगता है कि आईज बैलेंस नहीं है आपकी, आई बॉल्स जो है वो यू नो कुछ डिसबैलेंस्ड हैं। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली फील ऐसे होता है कि मेरी आईज का और मेरी आईब्रोज का गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो आईब्रोज तक ऐसे जा रहा होता है कि यू नो फनी लग रहा होता है, अच्छा नहीं लग रहा होता। तो यहाँ पे जो नबीला ने अपनी टीम को बताया एंड बड़ा ऑब्जर्व करी थी फॉर फ्यूचर ऑल्सो, ताकि मुझे पता चले कि आई लैश का, आई थिंक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपने एक कोई पीस निकाला था और वो थोड़ा थोड़ा सा आपने बस सिर्फ साइड पे लिफ्ट करने के लिए लगाया, राइट? जी जी, स्ट्रक्चर चेंज करने के, आपको याद होगा कहती थी जी कलर कौन सा लगाना है, आई सेड फॉरगेट कलर, गिव मी द राइट स्ट्रक्चर, यू डोंट नीड द कलर। सो देयर इज हार्डली एनी कलर, बट जो स्ट्रक्चर है कि हमने चीट करके थोड़ा सा लिफ्ट किया, थोड़ा सा एक्सटेंड किया, थोड़ा सा राउंड कम किया है, और वो लैश हमें हेल्प कर सकते हैं। एंड अगेन यू नोइंग वेयर टू स्टॉप का मतलब यही है कि जरूरी नहीं है कि कैटरपिलर लैशेज हो, इट कैन बी अ लिटिल पार्ट एंड फिक्स द प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स फिक्सिंग। Yes, exactly. और जो अभी नबीला ने कहा ना कि कलर नहीं, यानी कि आई शेड कभी आप देखते हैं, आप इतने टाइम से देखते आ रहे हैं नो, बहुत सारे आप शोज देख रहे होते हैं कि आई शेडो जरूर होता है। अच्छा, पर्सनली मुझे आई शेडो, आई एम नॉट अ आई शेडो लवर, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि भाई मीडिया में एक खास तरीका होता है चीज़ को करने का। सो यहाँ पे अगर आप देखें ना होने के बराबर आई शेडो है, मैट भी नहीं मैं कहूँगी, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे नहीं है, फिर भी इतनी ज़्यादा एक और मुझे लगता है यंग लुक आता है नबीला एज कम्पेयर टू जब हम ग्लिटर या शिमर भर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, Less is more, absolutely. एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ, मैंने काफ़ी सारे लोगों को इससे रेजोनेट करते हुए देखा है, दैट वी हैव आईब्रोज, बहुत सारे लोगों की बहुत बुशी, बहुत ब्लैक आईब्रोज होती हैं। तो जब नबीला ने मुझे आईब्रोज से मुतालिक कुछ बताया कि आपकी आईब्रोज जो है वो ऊपर से पूरी उड़ी हुई हैं, तो उस वक्त मैंने नबीला से शेयर नहीं किया,
और मैंने उसके बाद टीम से शेयर किया कि मैं किसी से आईब्रोज बनवाने की बजाय अब मैं ना खुद उसको काइंड ऑफ रेजर से कर रही होती हूँ, आई एम लाइक नहीं थोड़ा और ऊपर. तो उस चक्कर में क्या होता है कि वो ऑफकोर्स एक फनी लुक आ जाता है. सो उसको नबीला ने मुझे एक सजेशन दी जो मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ. आई डोंट नो कि ऐसी कोई चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल है. मैं कभी बाहर ट्रैवल करती हूँ तो मैं आईब्रो को टिंट करवा के आ जाती हूँ, यानी एक शेड लाइट करवा के आ जाती हूँ ताकि मैं थिक रख सकूँ. तो मुझे नबीला ने बताया कि ये आप यहाँ भी करा सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, आईब्रो को फिक्स करना तो अभी बहुत ज़रूरी है. आजकल बड़ा ट्रेंड है कि आईब्रोज पे फोकस है. अक्सर अगेन उसको लोग ओवर करेक्ट कर देते हैं, ओवर थिक कर देते हैं, ओवर वो पता नहीं क्या क्या माइक्रो ब्लेडिंग वगैरह. आई डोंट बिलीव इन दैट, बट आई बिलीव कि इसका शेप सही होना चाहिए, कलर सही होना चाहिए, इसकी लेमिनेशन और टेक्सचर सही होना चाहिए, एंड देन यू आर ओके टू गो. माइक्रो ब्लेडिंग अगर आपको नहीं पता, मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा हल्का सा तकलीफ, लाइक नॉट तकलीफ बट थोड़ा सा आपको एक टिंगलिंग होती है, सेंसेशन होती है कि थोड़ी बहुत इफ़ यू कैन से नीडल्स का काम होता है, और फिर वहाँ पर बाल उगने भी शुरू हो जाते हैं जहाँ पर नहीं होते. सो यू आर सेइंग कि इतनी प्रॉब्लमैटिक प्रोसेस से गुजरना, मतलब इसलिए ना करें कि ट्रेंडी है और मेरी फ्रेंड ने कराया, इसलिए करें कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम एरिया उसको जस्ट करेक्ट, डोंट ओवर करेक्ट. एब्सोल्युटली. अच्छा नबीला, मैं चाहूंगी कि हम यहाँ पे बैठ जाते हैं और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि दो ऐसे, बल्कि दो भी नहीं, मैं तो तीन कहूंगी कि तीन ऐसे जो है वो नोन लोग यहाँ पे मौजूद होंगे जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन हम आपको दिखाएंगे. एक तो फायजा अंसारी है, वेरी फेमस मॉडल, वो एक हम बिल्कुल आपको डिफरेंट लुक दिखाने वाले हैं. और इसके अलावा अबील जावेद, जिनको आप देखते रहते हैं मसाला टीवी पे एज अ होस्ट. तो अबील खान का हम आपको दिखाएंगे एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन, और उनका पूरा हम पैकेज भी चलाएंगे. साथ साथ सिद्रा मेहरान है, इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, उनका भी पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि बाल भी, मेकअप भी, कपड़े भी, वो भी आपको दिखाएंगे. लेकिन क्योंकि वो खवातीन तैयार हो रही हैं, तो मैं नबीला से एक बड़ी एक ऐसी बात पूछना चाहूंगी विच आई एम श्योर एनीबडी वुड लव टू आस्क यू. नबीला, लोग मेकअप पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, राइट? हमारे पास कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका इंटायर एक जो फोकस है वो मेकअप है. व्हाई हेयर वे बिफोर मेकअप? ओके, सो देखिए, मेकअप मैं फील करती हूँ कि लोग ज़्यादातर इसलिए करते हैं कि उनको ब्राइड्स करनी होती हैं. ब्राइड्स में बहुत पैसा होता है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, और बस वो एक ही ट्रेंड है जो करे जा रहे हैं सालों से. सो इट्स ईजियर टू डू ब्राइड्स, यू डोंट नीड मच ट्रेनिंग. अगर आप अपने फेस पे मेकअप कर लें और अपने घर में दो तीन लोगों का कर लें तो आप समझते हैं आपको आ गया मेकअप और आ जाता है. मैं तो समझती हूँ कि हमारे रोड पे जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनका भी मेकअप अभी तो बहुत अच्छा हो गया. अब हम, आपने ये बात ऐसे की, हम लिटरली दूसरे को ये पूछ रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, वो भी जीरो मेकअप पे आ गए हैं. लेकिन इट्स वेरी गुड टू सी कि अगर आप में टैलेंट है, आप अपना मेकअप कर सकते हैं, अपनी फ्रेंड का कर सकते हैं, तो यू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट. एंड जो सेशन वर्क होता है जो टीवी कमर्शियल्स वगैरह के लिए बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि इसमें काम ज्यादा और पैसे कम होते हैं. तो हर कोई जो है वो दुल्हन बनाने में लग गया है. मैं जरा इससे डिसएग्री करती हूं कि भाई आप क्राफ्ट करो, आप इस फील्ड में लर्न करो, अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करो, अपने टूल्स पे करो. ये क्या कि आप दुल्हनें बना रहे हो सिर्फ पैसे के लिए. लेकिन हेयर पे बहुत कम लोग इसलिए आते हैं कि हेयर में यू कांट फूल योर क्लाइंट्स, यू नीड टू नो द साइंस. आपको कटिंग में ज्योमेट्री, प्रिसिजन हेयर कटिंग, हाउ इट फॉल्स आफ्टर दे वॉश देयर हेयर, हाउ इट ग्रोज आउट फॉर द नेक्स्ट 6 months, ये सब चीज़ों के लिए साइंस चाहिए होती है. और हेयर केमिकल में तो सिवाय साइंस के और कुछ नहीं चाहिए होता है. तो इसमें आप लोगों को फूल नहीं कर सकते, इसमें आप ट्रायल एंड एरर नहीं कर सकते. तो आपको इसमें पढ़ना पड़ता है और कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना पड़ता है, और इसमें काम ज़्यादा और पैसे इतने नहीं हैं. तो लिहाजा लोग जो हैं वो मेकअप के तरफ जाते हैं. मैं हेयर के लिए इसलिए कि बचपन से मेरे छोटे बाल थे, और अम्मी जो है ना वो अपने साथ ले जाती थी, जो भी सैटरडेज को सारे रोलर्स लगा के बड़े बड़े झूड़े बना के सब सेट हो जाते थे, और पीसेस जाते थे जो बन बन के आते थे ना, ऐसे केक के तरह, केक के डब्बों में. ओके, तो मैं बड़ी फैसिनेट होती थी. आई लव द स्मेल ऑफ स्प्रे एंड एयर कंडीशनर की जो खुशबू आती है, मैं घंटों बैठी रहती थी. एंड आई रियलाइज के जब मैं हेयर कट करवाती थी, घर आके रोती थी, और हमेशा से मेरे छोटे रहे बिकॉज माई हेयर इज नॉट वेरी थिक. सो आई यूज़ टू कम होम एंड क्राई. फिर इवेंचुअली आई थिंक आई वॉज 11 or 10, मैंने खुद ही अपने बाल काटना शुरू कर दिए. और उस टाइम पर हम दुबई भी शिफ्ट हो गए, तो उस टाइम पे बहुत महंगे होते थे हेयर कटिंग. तो मैं अपने कभी डैडी के बाल काट रही हूँ, भाई के काट रही हूँ, अपने काट रही हूँ. यहाँ तक कि व्हेन आई वाज 11, माय मदर्स फ्रेंड वंस टोल्ड मी कि आप मेरे बाल ट्रिम कर दो. तो मैं सोचती थी पहला इनको कैसे इतना ट्रस्ट था मेरे पे कि मुझे 11 साल में इनका ट्रिम कर दो. और मैंने भी इधर से शुरू किया और इधर तक मैं पहुंची, क्योंकि वो सीधी लाइन ही नहीं मुझसे हो रही थी.
लेकिन हेयर का आई थिंक फ्लेयर था, एंड देन 18-20 साल में जाके मुझे समझ आई कि इनसे बेहतर तो मैं ही खुद कट कर रही हूँ, तो मैं क्यों ना सीख लूँ कट। अच्छा, जब आपने ये सीखा ना, हम यहाँ पर एक रखेंगे सस्पेंस, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं चाहूँगी कि इस स्टोरी को ये वहीं से कंटिन्यू करें फॉर एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग, जो कि जिसमें ये एक है आर्ट है, स्किल है, पता नहीं है कि है, यू नो, किस तरह से आइडेंटिफाई करें, और नबीला की फिर उसके बाद स्टोरी एक कमर्शियल लेवल तक और एक यू नो कि प्रोफेशन वाइज आपको पता हो आप ऐसा कर सकते हैं वहाँ तक कैसे गई आपको ज़रूर बताएंगे। ब्रेक से फ़ौरन वापस आते ही, जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। वेलकम बैक, आ चुके हैं वापस हम, आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो नबीला चेंजेस। ब्रेक पे जाने से पहले इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ना, नबीला ने बताया कि किस तरह से बचपन से काइंड ऑफ यू नो उनको समझ नहीं आता था बालों का, तो वो अपने खुद जब बाल काटती थी उसके बाद उनकी एक आंटी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मेरे बाल भी काट दें। फिर क्या हुआ नबीला? बस फिर मैं करती रही हेयर कट्स, और फिर यू नो शादी हो गई बहुत जल्दी, फिर मैं हस्बैंड के भी बाल काट लेती थी, अपने भी, फिर बच्चे हुए तो उनको भी नहलाने के लिए वो टब में बैठते थे उनके भी बाल काट लेती थी। सो करते करते आई रियलाइज कि आई डोंट डू अ बैड जॉब और मैं अपना खुद का हेयर कट ठीक ठाक कर लेती थी। ओके, तो पीछे से पता नहीं मुझे कैसे दिखाई देता था लेकिन मैं ऐसे ऐसे फील करके कर लेती थी। उसके बाद में मैं डर जाती थी और सैलून जाती थी किसी से ठीक कराने, तो कहते थे ठीक तो हैं। फिर मैं कहती थी अगर मैं बगैर देखे हुए पीछे से ठीक काट रही हूँ तो कुछ तो टैलेंट है। सो आई मेट समबडी हु टोल्ड मी कि आप जाएँ अपनी ट्रेनिंग करें, आप क्यों नहीं शुरू करती सैलून। तो एक बच्चे बिल्कुल छोटे थे, जाकिर वॉज अ फ्यू मंथ्स ओल्ड, यंगर सन, एंड यू नो उस जमाने में हमारे घर में ना कोई महके में ना ससुराल में किसी औरत ने काम किया था, एंड पीपल सेड यू डोंट नीड टू वर्क, योर हस्बैंड इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। तो मैंने कहा आई डोंट नीड टू, आई वांट टू। तो बड़ी मुश्किल से सेटिंग करके आई सोल्ड माय जहेज के डायमंड एंड वेंट टू ससून लंदन, और वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। और फिर मैं आती थी थोड़ा बहुत कमा के, जो पैसे बने वापस जाती थी और कोर्स करती थी, स्पेशलाइज करती थी केमिकल्स में, उस ज़माने में पर्म्स होते थे। देन आई वेंट इनटू बार्बरिंग, बिकॉज जब छोटे बाल आप काटते ना जब आपको सही साइंस और ज्योमेट्री समझ आती है हेयर की। सो व्हेन वी डिड हेयर तो समझ आया कि भाई हेयर अगर अच्छे हैं, मेकअप बुरा है तो फिर भी बंदा बुरा लगता है। देन आई लर्न्ड मेकअप, एंड देन आई रियलाइज्ड के जब हेयर एंड मेकअप अच्छा है और कपड़े सही नहीं है तब भी आप बुरे लगते हैं। तो माई वर्क लुक्स बैड बिकॉज समबडी एल्सेज वर्क इज़ नॉट अप टू पार, एंड दैट्स व्हेन यू नो आई वेंट बैक टू सेंट मार्टिन्स लंदन एंड आई क्वालिफाइड एज एन इमेज कंसल्टेंट एंड एज अ स्टाइलिस्ट। तो वहाँ से जो मुझे टिप्स मिले कि हाउ टू री इन्वेंट old images ताकि you keep your interest alive in yourself, and I realized कि जो hair और makeup की information है उसको अगर image में हम डालें तो फिर complete picture निकलती है, and that's what my core business now is, image makeover. So अगर आप मेरे से पूछें मेरा title क्या है, मैं इमेज कंसल्टेंट, लेकिन हमारा जो medium हम सबसे ज़्यादा use करते हैं वो hair है। hair है, I think 60% hair 40% makeup। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, ये बात भी नबीला ने बड़ी अच्छी की थी हेयर के बारे में कि देखें हेयर इज सच अ थिंग कि आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बिकॉज वर्स क्या होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो दोबारा से इट विल ग्रो बैक, यू नो, चाहे कलर हो चाहे लेंथ हो, तो उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने से आप, और यकीन करें आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो बहुत जब लंबे बालों से फॉर इंस्टेंस एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं छोटे बालों की, उनकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस जो है ना वो उनको खुद भी और ज़्यादा फील हो रहा होता है। अच्छा, पिक्चर्स हम आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि जो नबीला ने अपना खुद हेयर कट जो है वो किया है। नबीला, इसको एक्सप्लेन भी कीजिएगा, यू आर वेरी यंग जो आपने अपना हेयर कट किया था, उसके हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं वो हम यहाँ पे शो करेंगे। दिस इज अ हेयर कट दैट आई डिड बिफोर आई वेंट टू स्कूल। ओके, और आप जरा बैक देखें कितनी शॉर्ट है, एंड इट्स अ ग्रेजुएटेड बॉब, आई डोंट नो हाउ आई मैनेज दिस, और ये मैं लाहौर में थी तो किसी ने शूट भी किया था इसका। That's my own haircut. नबीला, आपने, आप जो कह रही हैं कि you couldn't see, कि पीछे से आप देख नहीं पाई थी, कोई मिरर था या नहीं?
नहीं, काटती थी फिर टर्न करती थी फिर देखती थी. मिरर में ज्यादा मसला होता है क्योंकि वो ऑपोजिट दिख रहा होता है ना, तो वो कहीं कैंची गलत जा रही होती है. इट्स बेटर टू क्लोज माय आईज एंड डू इट. ओके ओके. नेक्स्ट, इनफैक्ट एक मॉर्निंग शो पे मैंने आंख बंद करके हेयर कट किया. वाओ वाओ. ये वाली दूसरी वाली पिक्चर दिखाइएगा दोबारा से. ये दूसरी वाली पिक्चर हम देखते हैं. और ये कब की पिक्चर है जो आपकी अभी दूसरी इसके बाद चली थी? ये दिखा रहे हैं कि जो मैं अपने हेयर से खुद एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ. पिछले आई थिंक 1.5-2 साल पहले मेरे पिंक थे बाल, जो हामिद ने किए थे. आई वेंट टू न्यूयॉर्क टू गेट इट डन, और जिससे बहुत डैमेज हुए, टूटे, छोटे थे, लेकिन फिर वो उग जाते हैं. एटलीस्ट आई एंजॉयड द कलर व्हाइल इट लास्टेड. और मैं हमेशा चेंज करती रहती हूँ. आई थिंक दे कैन शो ऑल ऑफ इट. देखें ये छोटे हैं. यू कैन क्विकली चेंज इट एंड वी कैन टॉक अबाउट इट. ये वाला एक हमने दिखा दिया, दूसरा भी हम चेंज कर सकते हैं. दूसरी भी यहाँ पे इमेज दिखा सकते हैं. और ये बिल्कुल एक ग्लैमरस सी लुक है. अच्छा, एक्सटेंशंस का भी इस्तेमाल काफ़ी हम कर सकते हैं टू चीट. अगर छोटे हैं तो उसको लंबे दिखाने के लिए. यू नो दिस इज व्हेन आई हैड लाइक मिड लेंथ हेयर बैक इन द 90s. अच्छा, ये बड़ा डिफरेंट है बिकॉज हमने ये वाली नबीला को काफी टाइम से नहीं देखा. जी जी जी. दिस इज द हेयर कट दैट आई डिड. अच्छा, आई वांटेड टू आस्क यू कि जब आप ये वाली नई पिक्चर है? नहीं, ये वही हेयर कट है, इसकी स्टाइलिंग डिफरेंट है. ठीक है, सो पिक्चर्स आप यहाँ पे ये देखें. ये मलेट टाइप का है जो आगे से छोटे पीछे से लंबे होते थे. ये भी यू नो आई कीप चेंजिंग इट बिकॉज फिर मैं बोर हो जाती हूँ. दिस इज द पिंक हेयर फ्लैट आयरन शॉर्ट बॉब. ओह नाइस. यू नो आई वाज इन न्यूयॉर्क सो देन आई मेड इट रियली शॉर्ट. साइड्स एंड बैक शॉर्ट थे, फ्रंट लॉन्ग था. सो आई कीप एक्सपेरिमेंटिंग बिकॉज मैं अपने आप से बोर हो जाती हूँ. सो लोग कहते नहीं ये क्यों किया, पहले अच्छे लग रहे थे. तो इट्स नॉट अबाउट अच्छे बुरे, इट्स अबाउट आई फील लाइक अ चेंज एंड इट विल ग्रो बैक. आई थिंक ये एक बड़ा एक आर्टिस्टिक यू नो इट्स समथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम एन आर्टिस्ट. कोई भी आर्टिस्ट होता है. अब जैसे यू नो आपकी हेयर की जो फील्ड है, इसी तरह से चाहे कोई कुकिंग की फील्ड हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे बुक राइटिंग हो, जब इंसान एक ही जैसी क्रिएशन करता है तो बहुत नेचुरल है कि वो एक यू नो उसको हम कहते हैं कि रीडर्स ब्लॉक या राइटर्स ब्लॉक जो आ जाता है. सो फिर आप सोचते हैं कि कुछ नया होना चाहिए. और मजा भी जिंदगी का इसी बात में, राइट? अच्छा, आई वांटेड टू आस्क यू कि जब आपने पिंक करवाए, अब यहाँ पर थोड़ा सा अप हो रहा है पाकिस्तान में ट्रेंड पिंक्स एंड यू नो ऑल दोस फंकी कलर्स, तो क्या उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, 2-3 वॉशेस में चले जाते हैं? उसकी मेंटेनेंस बहुत हाई होती है. यू नो यू हैव टू कीप ऑन टोनिंग क्योंकि वो वॉश बहुत जल्दी हो जाता है. लेकिन मजे की ये बात थी कि अगर आपके प्री लाइट बाल का एक पीस है तो वो आप कभी मैं ब्राइट कर लेती थी, कभी मैं लाइट कर लेती थी, कभी पेस्टल कर लेती थी, कभी फूशिया कर लेती थी. तो पिंक के टोन्स में मुझे मजा आता था. बट उसकी मेंटेनेंस डेफिनेटली है. ठीक है, ठीक है. अच्छा, निम्रा हमारे साथ मौजूद है तरबेला से, उनसे भी बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम निम्रा. अपनी टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिएगा सो दैट आपकी आवाज हम तक आ पाए. जी अब आ रही है आपकी आवाज. कहिए क्या कहना चाहेंगी नबीला से, क्या पूछना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ये नबीला से बात कर रही है. जी जी, बताइए क्या पूछना चाहेंगी. थी दूर से कॉल कर रही हैं आपको. मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके. हमें भी बहुत खुशी हो रही है. आप नबीला से कोई सवाल करना चाहेंगी बालों से मुतालिक, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? मेरी बेटी है ना, उसकी एज है 18 साल. उसके बालों का मसला है, जरा बाल उसके सर पे कम है. अच्छा, कितने कम है? लाइक वो एलोपेशिया वाला चीज या फिर मतलब थोड़े से बस कम घने हैं? दोनों में से क्या है? ज्यादा घने नहीं है ना, कम कम आ रहे हैं, तो उसके अच्छा, बारे में पूछना था ना. ठीक है, थैंक यू सो मच. मुझे ये बताएगा नबीला कि जब भी हम कहते हैं कि बालों को, ये एक यूनिवर्सल रैंट है कि हम कहते हैं बाल मेरे टूट रहे हैं, आपके टूट रहे हैं? यस टूट रहे हैं. बाल मेरे कम हो गए हैं, आपके कम हो गए हैं? यस. मुझे बताएं, इज देयर एनी सोल्यूशन? इफ यस, कौन सा सही मीडियम है सोल्यूशन की तरफ जाने का? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बाल आपके जितने आप लेके पैदा हुए ना, वो उतने ही हैं. ठीक है, हम बेचारे बच्चों को गंजा कर करके थक जाते हैं. जो 11-12 साल तक वो गंजे हैं इसलिए कि बाल इनके कम है, ये थिक हो जाएंगे, और वो नहीं होते हैं थिक. सो आई हैव सीन माई कजन्स जो सारी जिंदगी वो बेचारे बोंगे गंजे लगे हैं, और बुढ़ापे में भी उनके कम ही थे बाल. तो मैंने कहा क्या फ़ायदा हुआ तुम जो 12 साल तक गंजी लग रही थी. सो यू नो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. और जितने होते हैं उतने हैं. मेरा काम है, अगर आपके 3 बाल हैं तो हम उसको अच्छी तरह से सजा के उससे चोटी बना लें. हमारा काम ये है कि मेक इट लुक गुड. हाँ, एक्सटेंशंस हैं, विग्स हैं, पीसेस हैं, टूफेज हैं, उन चीज़ों का आप सहारा ले सकते हैं. हेयर ट्रांसप्लांट है जो कि आप
यहाँ से निकाल के घुटने भी लगाएंगे तो वो बाल उगेगा, ठीक है। लेकिन जो होता है ना कि ये हेयर स्ट्रेंथनिंग शैम्पू और हेयर पता नहीं कौन सा लोशन, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मेरे फील्ड वाले सब बहुत मुझसे नाराज़ होंगे क्योंकि उनका बिजनेस ठप हो जाएगा, कि मैं फील करती हूँ कि देखें आप फोकस उस पर करें कि जो है उसको सजाएं, और यस बी हेल्दी, डू वॉट एवर यू लाइक टू डू, जो शैम्पू आपको सूट कर रहा है, अगर कोई ट्रीटमेंट सूट करिए तो करें। ये ना समझें कि ये हम लगाएंगे, 6 महीने का कोर्स है, हमने इतने पैसे दिए, हमारे बाल ठीक हो जाएंगे। आप उसको, जैसे मैंने आपको कहा मेरे बाल बहुत फाइन है एंड आई एंजॉयड इट ऑल माई लाइफ, आई एम इन माई हेयर बिजनेस, इसलिए कि मैंने मान लिया कि मेरे बाल सीधे भी हैं और थिन भी हैं। अब मैं उसका क्या कर सकती हूँ? इट्स वेरी मच लाइक सेइंग कि अगर मेरा रंग गोरा नहीं है तो मैं मान लूँ, बजाय इसके कि मैं टीके लगाऊँ और एसिड पील्स कराऊँ गोरा होने की तरफ जाऊं। सो वर्क विद योर हेयर, नॉट अगेंस्ट इट। सो अगर आप अपनी बेटी के बाल कम समझ रही हैं तो आप उसको किससे कंपेयर करके कम समझ रही हैं? वेरी गुड। अच्छा यहाँ मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास ब्रेक पे जाने का टाइम है, उसके बाद हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें नबीला अपने बाल खुद काट रही है। लेकिन अगर आप गौर करें, नबीला ने जो बात कही है उसमें एक ऐसी बात है जो मैं भी पसंद करती हूँ, आप भी पसंद करते हैं, वो है नेचर को एक्सेप्ट करना, कुदरत को एक्सेप्ट करना, साथ ही सिंप्लिसिटी, जो हम कहते हैं लेस इज मोर। तो आई अंडरस्टैंड कि नबीला की एक ऐसी, आप सोचते होंगे कि यू नो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक महंगा कुछ ऐसा हो, महंगी सर्विसेज हो, लेकिन जो उन्होंने बात आपको कही है वो एक्चुअली आपके बजट को भी जो है वो यू नो मिनिमाइज करती है, कि जो है उसको एक्सेप्ट करें एंड देन वर्क विद इट, बजाय इसके कि आप समझेंगे किसी और जैसे हो जाएंगे। ब्रेक पे जाने का टाइम है, इस वीडियो को देखते देखते जाइए जिसमें नबीला अपने बाल खुद काट रही है, और उसके बाद जो ब्रेक से वापस आएंगे ना, आपको हमने बहुत कुछ दिखाना है, ट्रांसफॉर्मेशन है अबील खान की, इसके अलावा सिद्रा मेहरान की, फायजा अंसारी हमारे साथ होंगे, हामिद हमारे साथ होंगे, जो हेयर कलर से रिलेटेड जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो नबीला चेंजेस, एंड हम हेयर कलर की बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि हेयर कलर की जब बात करें तो क्यों ना नबीला, टीम नबीला में से हम हामिद को बुलाएं, हु इज द कलर डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा हामिद, आपने मेरा हेयर कलर चेंज किया है, आपने हमारी जो होस्ट है अबील का चेंज किया है, आपने सिद्रा का चेंज किया है, फायजा का, सो मैं चाहूंगी इस प्रोसेस से आप स्टार्ट करें कि जब मैं आपके पास आई सबसे पहले आपने मुझसे पूछा, और वो जो पूछने का तरीका, वो जो एथिक्स होती हैं, वो आपका एक्सपीरियंस आपको क्या सिखाता है, कैसे पूछना चाहिए? जी वो कंसल्टेशन है, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो हमने चेंज किया है वो आपको चेंज अच्छा भी लगा? आई एम सो इन लव, जब मैं इनके पास आई थी इन्होंने सबसे पहले तो मुझसे पूछा कि देखिए रेफरेंस पिक्चर तो हमारे पास है, बट व्हाट डू यू वांट, आपका कंफर्ट जोन क्या है, आपकी प्रेफरेंस क्या है? तो मैंने उनको बताया कि अच्छा मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि जब मैं किसी इंसान के पास हेयर कलर के लिए जाती हूँ, से इट्स नबीला, से इट्स यू, तो ऑलरेडी इतना ट्रस्ट है कि मैं जा रही हूँ, राइट? तो अपना थोड़ा सा मैं प्रेफरेंस देके देन आई एम लाइक ब्लाइंड, बस मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, लाइक जो भी आप कर रहे हैं सही कर रहे होंगे, एंड इट एक्चुअली पेड ऑफ, क्योंकि मैं चाहती थी एक चेंज आए, लेकिन वो चेंज जब आपने मुझसे पूछा कि फंकी हो सकता है या नहीं, तो मैंने ये शेयर भी किया था हामिद से कि मैं बहुत चाहती हूँ पिंक हो, ग्रीन हो, ऑरेंज हो, लेकिन ऑफ कोर्स हमारा रोज का डिफरेंट कपड़ों पहनने का काम होता है तो वो नहीं हो सकता, राइट? देन हमने एक मिडिल ग्राउंड निकाला। सो ये जो मिडिल ग्राउंड आप निकालते हैं इन कलर्स जो कि हमारे माशरे में ज्यादातर यू नो पाकिस्तान में ज्यादा कॉमन है, वो किस तरह निकालते हैं और उनमें कौन कौन से कलर्स हैं जो कि कॉमन है? लवली, बहुत अच्छा सवाल है। तो ये इट टेक्स अस बैक टू कंसल्टेशंस। तो मैं और नबीला जब भी मीटिंग्स करते हैं कंपनी वाइड, तो अभी मैंने जो टूर किया लाहौर नबीलास का और यहाँ का, तो कंसल्टेशंस पे इतनी ट्रेनिंग हुई स्टाफ की, क्योंकि आप देख लें कि कंसल्टेशन जब बातचीत शुरू में आपको मेहमान आता है उससे, अब जब बातचीत सही तरीके से नहीं करेंगे एंड यू आर अ गुड लिसनर, आप उनकी सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे और फिर किसी मिडिल ग्राउंड पर आएंगे। तो मैंने हमेशा जो इतने सालों से अमेरिका से लेके यहाँ तक जो भी ट्रेनिंग दी है स्टाफ को, वो उनको बार बार मिन्ते करके भी समझाया है कि जल्दी मत करें, क्योंकि देखिए आपका कैरेमल या आपका लाल रंग मेरे लाल और कैरेमल से बहुत मुख्तलिफ हो सकता है। और ये अब बहुत नबीला एग्री करेंगी कि बड़े तजर्बे और एक्सपीरियंस के बाद जाके ये ठहराव आता है कि अब हम लोग जब, जैसे नबीला हैं या मैं हैं, आई एम श्योर कि शी विल एग्री, जब हम नए क्लाइंट हैं या जैसे आप हैं, हम आपको देख रहे होते हैं, आपसे बातें कर रहे होते हैं, आपके बालों को टच कर रहे, तो उस वक्त हमारे जहन में एक रील ऑलरेडी चल रही होती है कि क्या आपके फेस के लिहाज से क्या बेहतर है।
क्या आपको सूट करेगा, फिर हम आपसे सवाल करते हैं कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है, जैसे मैंने आपसे भी पूछा बिकॉज यू नो यू आर एन एक्टिव वुमेन, आप सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग शो पे आती हैं, कितने लोग आपको देखते हैं और आपसे इंस्पायर होते हैं, तो उसमें फिर आपने अपनी लिमिटेशंस बताई ना कि मुझे इतने फंकी कलर्स जो नहीं, तो हम सैलॉन फ्रेंडली टेक्निक्स भी करते हैं और हर किस्म का चाहे फंकी कलर हो बोल्ड हो उसको क्लाइंट के कस्टम मेड पैकेज के मुताबिक उठाते हैं या उसका सटल वर्जन भी कर लेते हैं, तो हमारे पास हर चीज का नुस्खा जो है वो मौजूद है। ठीक है नबीला, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक सवाल बहुत कॉमन होता है, बहुत सारे लोग ना एक समझते हैं कि इफ देयर इज एनी यूनिवर्सल लॉ कि जितना कलर लाइट होगा उतने आप कम यूथफुल लगेंगे, जितना डार्क होगा उतने आप ज्यादा यूथफुल लगेंगे, इज दैट राइट, ये सही है अजम्पशन या नहीं? देखें हम जो कॉन्ट्रास्ट और शेड्स की बात कर रहे थे हेयर वाले शो में, तो अगर आप सफ़ेद के साथ काला रखेंगे तो सफ़ेद ज़्यादा सफ़ेद लगेगा, अगर आप ब्राउन के साथ काला रखेंगे तो मतलब है कि वो जो डेप्थ और कॉन्ट्रास्ट जो आता है वो लाइट एंड डार्क का सारा खेल है। अब अगर आपके फेस ब्राउन है और बाल गोल्ड हैं तो जाहिर है कि फेस डार्क लगेगा, लेकिन दैट्स नॉट अ बैड थिंग बिकॉज बहुत सी ऐसी लुक्स हैं जैसे जेनिफर लोपेज है, बियॉन्से वगैरह हैं, दे लुक लवली बिकॉज उनका जो स्किन टोन है इज ऑलमोस्ट द सेम एज देयर हेयर टोन, लेकिन उस पर फिर ये है कि वो सेलो नहीं है, वो ग्रे करके गोरे होने की कोशिश नहीं कर रहे, वो अपने आप को ब्रॉन्ज रख रहे हैं, दे लुक सन किस्ड, द हेयर इज ब्लीच्ड, देन इट द वे दे ड्रेस अप द बॉडीज एंड द बॉडी के जो कलर्स हैं टोन्स हैं, ऑफकोर्स दे शो देयर लेग्स एंड शोल्डर्स ऑल ऑफ दैट, लेकिन उस पर फिर वो फील होती है कि दे आर लाइक बीच सन टैन यू नो सर्फर काइंड ऑफ लुक। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूँ तो आई थिंक जिनके सांवले रंग है उनको बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड नहीं करना चाहिए अनलेस दे आर गोइंग टू बी ब्रॉन्ज। सो कुछ ऐसे हैं कि यू नो आई फील के जब मैं अपने बाल थोड़े से डार्क रखती हूँ तो मेरा फेस जो है वो फ्रेश लगता है। ओके सो इन द विंटर्स आई यूजली कीप इट डार्क बिकॉज आई डोंट टैन सो मच, इन द समर आई टैन सो आई एक्सपेरिमेंट विद लाइटर हेयर। सो ये थोड़े से थंब रूल्स हैं लेकिन आई थिंक मिरर इज द बेस्ट जज, और आप ये देखें कि आप पे क्या सूट कर रहा है एंड देन यू कैन प्ले अराउंड विद इट, यू कैन ऑल्सो ब्रेक द रूल्स, बट टू ब्रेक द रूल्स यू नीड टू नो द रूल्स। एब्सोल्युटली, और ये जो यू नो आपके कलर कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंगली भी नबीला ने बताया। अच्छा यहाँ पर अब हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिनको नबीला ने ट्रांसफॉर्म किया है, उनकी वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली पिक्चर्स यहाँ पे चलेंगी एंड ऑफकोर्स यू नो देम, लेकिन आपने उनको डिफरेंट तरीके से। अच्छा ये मानूर बलोच, मानूर बलोच, दिस इज फ्रॉम द 90s, उनके लंबे बाल होते थे पर्म्ड होते थे और हमने कम्प्लीटली उसको चेंज किया। And this became a very famous. This is Nirma, who used to do Punjabi films, and you know, so ek dafa wo Lahore mein aayi, to completely again change kiya. I like to reinvent. Wow. I don't like to see the old you. So इसलिए बिल्कुल इनकी एक different look आ रही है. This is Barbara Sharif done as Marilyn Monroe. Exactly. मैंने इतनी दूर से देखा ना सामने, लगा ये तो Marilyn Monroe ही है. ये एक बड़ा famous shoot था. ये हमने एक personalities उनको सारे Hollywood की personalities किए थे. So golden spray से कुछ bleach से. This is Sonia Jahan for a commercial, phone का commercial था. तो बिल्कुल उनके curly बाल होते थे. हमने बिल्कुल edgy और straight करके और इनको थोड़ा सा tan किया. This is Hadika Kiani. जो आई थिंक 90s में हमने ये शूट किया था, शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनैलिटीज टू वर्क विद, दिस इज़ मीरा जी। वाओ, दिस इज़ मीरा जी, यहाँ पे रोकेंगे हम। हाँ ये मीरा जी बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहे हैं। हाँ ऑफकोर्स ये सारे एक्सटेंशंस और विग्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, इट्स मोर एडिटोरियल। दिस इज इरज, इरज विद ब्लॉन्ड हेयर, शी यूज टू हैव वेरी डार्क एंड फिजी हेयर, लेकिन हमने विक्स के साथ किया इनकी ये शूट। दिस इज मोर एडिटोरियल वर्क, दिस इज सादिया इमाम। ओह जी, इज दिस, जी जी, तो ये शुरू शुरू में जब आई थी वी एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड हर फॉर टीवी ड्रामास, तो आईब्रोज ब्लीच का फैशन था, दिस इज इन द 90s। दिस इज नीलम, नीलम का फर्स्ट कमर्शियल था जो मेरे साथ इन्होंने हेयर के कोई वीडियो किए थे, एंड ब्यूटिफुल ब्राउन हेयर। वाओ, अच्छा आपने जो ये बोला ना कि जैसे एडिटोरियल है, तो इसमें आप ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने कोई लुक किया, फिर आपने वो पिक्चर्स देखी एंड फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये आपको कैरी इस तरह अपने आपको करना चाहते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ नॉट योर लाइफ बट
फॉर अ फ्यू मंथ्स बिल्कुल इसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है कि जब बाबरा मेरे पास आई थी फर्स्ट टाइम तो मेरे हमेशा से शॉर्ट होते थे बाल, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे चाहिए बाल, मुझे तुम्हारी तरह लगना है. तो मैंने उनको विग पहना के एक शूट की थी हमने मैगजीन कवर के लिए, एंड इट लुक्ड सो गुड ऑन हर दैट विद इन अ वीक शी केम बैक एंड शी सेड कट माय हेयर. सो वी एक्चुअली कट हर हेयर बिकॉज इट लुक्ड सो गुड विद द विग. ओह नाइस, मुझे ड्रामा याद आ गया, नाम पता नहीं मैं ले सकती हूँ, उनके छोटे बाल थे और बहुत फेमस वो ड्रामा था. और यहाँ पर जो है वो कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. कौन है हमारे साथ? मैं महमूना बतूल नकवी, बीजी खान से. जी क्या पूछना चाहेंगी? नबीला से, हामिद से, कोई हेयर से मुतालिक सवाल है? माशाल्लाह से आप तो दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं आज. जुमा तुल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको मेरी तरफ से. आपको भी कोई सवाल करना चाहेंगी बालों से? बिल्कुल, असल में एक तो मुझे शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी, जैसे बाल काफी गिरते हैं मेरे ना, उस हवाले से अगर कुछ टिप दे दे नबीला बाजी. अच्छा, ऐसी गिफ्ट दे दे आपको? बाल सिल्की तो है मेरे, लेकिन गिरते बहुत है ना, गिरते बहुत हैं. अच्छा देखिए, मैं आपको अभी हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था, थैंक यू सो मच कॉल करने का. मैं थोड़ा सा आपको जरा बता देती हूँ, वो ये कि देखें जितने भी बाल जैसे भी हैं, अब उनको स्टाइलिंग कैसे करनी है आपने उनकी, ये ऑफकोर्स आप नबीला से पूछेंगी, कलर के बारे में हामिद से पूछेंगी, लेकिन एक जनरल गाइडलाइन मैं आपको दे देती हूँ कि जरूर डॉक्टर के पास जाइए, बिकॉज आपको नहीं पता कि आप में विटामिन बी की कमी हो सकती है, विटामिन डी की कमी हो सकती है, और बहुत सारी हमारी बॉडी को चीज़ों की जरूरत होती है. अगर उनकी कमी है तो फिर आप को रीजन को चेंज नहीं कर सकते, महंगे से महंगा शैम्पू ले लें, ऑयल लगा लें, कुछ नहीं होगा. राइट, वंस वो फिक्स हो जाए, फिर चाहे वो दो बाल हो या तीन बाल हो, इस पे एक जोक भी है कि वो किसी के तीन बाल थे एंड शी वेंट टू अ हेयर ड्रेसर, उन्होंने कहा कि मैं छोटी बना देता हूँ, और फिर पता नहीं एक बाल टूट गया एंड देन दो बाल रह गए, तो उन्होंने कहा कि मैं पूनी बना देता हूँ, एंड देन जब वो एक आखिरी बाल रहा तो उन्होंने कहा अब इसकी क्या स्टाइलिंग करनी चाहिए. सो द पर्सन जिनका एक बाल रह गया, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, अब मैं खुले छोड़ना चाहती हूँ. सो यू नो जो भी है उसमें क्या हो सकता है. अच्छा, नाउ माई क्वेश्चन इज कि जब आपने एक बार कोई भी हेयर कलर करा लिया, क्या आप एक ऑर्डिनरी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके कोई खास शैम्पूज होते हैं? अगेन आपने बहुत फिर अच्छा सवाल किया है जो कि ऑडियंस के लिए बड़ा वैल्यूएबल है. इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जो पहले हमने बात की थी, नबीला ने इतना अच्छा इनपुट दिया डार्कर लाइटर का, तो अब नबीला तो एक आइकॉन है, शी इज़ वन ऑफ अ काइंड. ठीक है, अब ये कहती हैं कि मैं जब डार्क करती हूँ तो मेरा चेहरा फ्रेश लगता है, ऑफ कोर्स इनका लगता है, लेकिन जो जनरल कंसेंसस है दुनिया में, क्योंकि एज वी ग्रो मैच्योर यू नो देयर आर डिफरेंट एज ग्रुप्स, तो हम बहुत ज्यादा डार्क बाल ना करें. इट कैन लुक हार्श. अब इनका तो एक मॉडर्न स्टाइल है ना, शी कैरीज इट वेरी वेल. अच्छा, मजे की बात यह कि वेस्ट में जहाँ मैंने इतना अरसा काम किया है, नबीला वुड एग्री कि जितनी आप ब्लॉन्ड हैं, मतलब उतनी आप वो समझती हैं उनकी वैल्यू है, वो यहाँ तक समझती हैं. मुझे एक क्लाइंट ने आके कहा, सेलिब्रिटी थी हालांकि, आई कांट मेंशन हर नेम, तो मुझे कहने लगी हामिद कि आई वांट वेरी लाइट दिस टाइम, तो मैंने हंस के कहा कि इतना लाइट क्यों, इतना लाइट हर दफ़ा, तो कहने लगी कि वो बस आई गेट मोर अटेंशन और मेरे लिए लोग दरवाज़ा खोलते हैं गाड़ी का, और जब मैं डार्क थी तो वो मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोलते थे. तो ये मेंटेलिटी, रेसिज्म का फैक्टर भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है इसमें. तो हमारी जो पाकिस्तानी ख्वातीन हैं, जैसे इन्होंने एलैबोरेट किया उनका स्किन कम्प्लेक्शन, यस उनको बहुत ज़्यादा लाइट, आई टोटली एग्री, नहीं जाना चाहिए. और खुदा के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे आप कहती हैं डॉक्टर के पास जाएँ, एक्सपर्ट के पास जाएं, उनकी सुने, जाके बिल्कुल वो ऐश 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 चेंज करें. नबीला और मेरी ये बात होती, नबीला मुझे कहती भाई तुमने तो वेस्ट में काम किया, नहीं यहाँ की मार्केट और है. तो फिर हम कहते हैं कि मार्केट को चेंज करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, वी हैव टू स्टार्ट समवेयर. बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अमेरिका में डार्क का मतलब ब्लैक है, यहाँ पे डार्क का मतलब सॉफ्ट ब्राउन है. जी, मुझे समझाती हैं. बहुत ऑरेंज और ब्लॉन्ड होते हैं तो उनके लिए सिक्स लेवल जो है वो बहुत डार्क है. बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप काला कोला वाली, मतलब काले रंग के बाल आपके हों, एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन सॉफ्ट ब्राउन इज द बेटर कलर देन गोल्ड फॉर अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्शन दैट आर नॉट वेरी फेयर. दैट्स व्हाट आई मीन. एग्जैक्टली. तो अब आपके सवाल का जवाब ये कि देखें आफ्टर होम केयर जो है वो बहुत ज़रूरी है. ठीक है,
और ये तो इतनी R&D करती है. अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो हम इतनी प्रोडक्ट्स डिस्कस कर रहे थे. तो आफ्टर हेयर केयर ऑफकोर्स pH लेवल होता है. जब आपके बाल वर्जिन होते हैं इट हैज़ अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, यू नो लीस्ट रिक्वायरमेंट. जब आप केमिकल ट्रीट कर लेते हैं तो ऑफकोर्स यू हैव टू रिस्पेक्ट योर हेयर एंड गेट द राइट प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग जो हम रिकमेंड करते हैं वो करें. अब अक्सर ख़वातीन ये करती हैं कि बालों पर तो लगा दिए 20,000, 30,000, 40,000 प्रोडक्ट्स पे आके फंस जाते हैं और जाके ओवर द काउंटर कोई भी शैम्पू ले लेते हैं जो कि कलर सेफ नहीं होता. तो यस, अपने एक्सपर्ट्स की बात सुने. अब तो इतनी प्यारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, जो आपके बालों को बहुत तरीके से डील कर. तो अपने एक्सपर्ट से पूछें, जो भी वो आपको बताए कलर रिटेंशन के लिए जो प्रोडक्ट्स बताएं वो यूज करें. यहाँ पर ब्रेक पे जाने का टाइम है और जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर हम आपको दिखाएंगे हमारी वो मॉडल्स भी, अबील जावेद भी होंगी यहाँ पे, सिद्रा मेहरान भी होंगी, इसके अलावा फायजा अंसारी भी होंगी, सबकी ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद. ब्रेक से वापस हम आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो नबीला चेंजेस और अब थोड़े ही टाइम में हम आपको दिखाने वाले हैं आपकी फेवरेट होस्ट अबील जावेद. ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी है कि चेंज भी है लेकिन बहुत खूबसूरत चेंज है आई मस्ट से. एंड साथ साथ सिद्रा मेहरान होंगी जो कि इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं. ओ ऐसा लग रहा है कि अभी जो है ना वो किसी बॉल से यहाँ पे आ रही हैं स्ट्रेट. शी इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. इसके साथ साथ फायजा अंसारी हैं. थोड़ा सा अगर आप जो है वो एक एजी लुक की तरफ जाना चाहते हैं, थोड़ा सा कुछ बहुत डिफरेंट करना चाहते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे. अच्छा, हामिद से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हामिद अभी जो हम लुक्स देखेंगे इसमें अगर हम बात करें हमारी जो यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं सिद्रा मेहरान, उनका आपने शेड मुझसे लाइट चूज किया है, उसकी कोई खास रीज़न है? बहुत अच्छा सवाल है और अभी कैमरे में दिखाएंगे. तो अब उन एक तो क्लाइंट रिक्वायरमेंट, यू नो शी वांटेड इट लाइटर, और उनका हमने रूट शेडो किया ऊपर से, ठीक है, डार्क, और उनकी स्किन कम्प्लेक्शन के साथ. और चूंकि उनका प्रोफेशन ऐसा है कि वो उनको हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ देखते हैं, उनका चैनल भी है, तो एक तो स्किन कम्प्लेक्शन जो उनके साथ ठीक लगता था, लाइटर एंड्स, डार्कर ग्रेजुएटिंग इनटू लाइटर एंड बिकॉज ऑफ अ रिक्वायरमेंट. ओके, अच्छा, अब हामिद से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ. आप लोग सोच रहे होंगे कि हामिद बेसिकली जो है ना वो न्यूयॉर्क से, US से पढ़ाई करके आए हैं अबाउट हेयर, इनकी ये जर्नी कैसी थी? और हामिद आप पाकिस्तानी हैं, राइट? तो आपने जब जाकर, एक तो आपने डिसाइड किया कि आपने जाके वहाँ पे इस बारे में पढ़ाई करनी है, कितना अर्सा आपने की और आपने क्या क्या डिफरेंट चीज़ें देखी जो पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं होती, क्या क्या सीखा? जी अच्छा सवाल है. और बाहर के मुल्क में आपको पता है कि मेहनत, ट्रू मेहनत होती है, जो अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी ट्रेंड चेंज हो रहा है. और मैंने तो उस्तादों से बहुत सीखा और यहाँ पे भी मैंने जो मैं सिखाता हूँ या ट्रेनिंग्स को, तो मैं इनसे यही कहता हूँ कि आप उस्ताद की इज्जत करें, मेहनत में आर मत समझें. सो आई हैव नो शेम, आई कैन क्लीन द फ्लोर, I can bring the coffee to a client. ये culture भी change होना चाहिए. Wow, बिल्कुल. तो I went there when I was very young. तो फिर मैंने cosmetology school किया New York से. Then I took the state exam. Then I wanted to work for the best. तो Vidal Sassoon was the best institution. ठीक है. तो उनको मैंने join किया. वहाँ पे कोई 40-50 candidates थे. मैंने कहा मुझे तो हायर नहीं करेंगे. मैं चार लोग उन्होंने हायर किए, लकी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे हायर कर लिया. फिर बस पैशन था तो आई बिकेम द जूनियर कलरिस्ट, द सीनियर कलरिस्ट, देन द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, देन द सैलॉन डायरेक्टर. सो एज अ पाकिस्तानी, आई मीन इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड माई फैमिली ऑल्सो. तो मेहनत जो है वो हमेशा वो करती. जैसे नबीला जो हैं उन्होंने अपने करियर में बहुत मेहनत की. कितनी आइकॉनिक वुमेन हैं कि इस कल्चर में उन्होंने अपना आप मनवाया. और वो आपको शायद बताएंगी कि उनकी बिगनिंग कैसे थी. वो इतनी पैशनेट थी कि उनकी और मेरी जो इंस्टीट्यूशन है उनका वो सेम है. ये भी विडाल ससून में गई थी लंदन में बहुत पहले. वहाँ पे आप लोगों की मुलाकात नहीं, नहीं मेरी मुलाकात उनसे बाद में हुई. और फिर अब बस अब इनका साथ है, इनके साथ विजन एक है.
तो मजा भी आता है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. यहाँ तक पहुँचने का जर्नी जो है कि कोविड में ये अमेरिका आई थी. हाँ? और इन्होंने अचानक मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज किया कि मैं आपको पता है किस तरह, ओ हाय हामिद, आई वांट यू टू डू माय हेयर, आई एम कमिंग टू अमेरिका. ओ, मेरी इनके साथ इतनी दोस्ती नहीं थी. मैंने कहा वाओ, मारे गए, इतनी बड़ी आइकॉन के बाल मैंने करने. मगर ये आई, इन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल रखा. और आप इनकी तस्वीरें देखें कि तो चेंज हर वक्त. अच्छा, वो फंकी वाले. तो ये जो पिंक स्मोकी पिंक इन्होंने किया था, okay. वो जुर्म मैंने ही किया था. वो जुर्म बहुत अच्छा जुर्म किया था आपने. इट लुक्ड स्टनिंग. अच्छा, यहाँ पर अब मैं बुलाना चाहती हूँ नबीला, आप प्लीज आ जाइएगा. एंड अब हम नबीला, आप बताएंगी पहले किनको बुलाएं, दो जो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई है हमारी सेलिब्रिटीज, सिद्रा मेहरान एंड नबील खान. सिद्रा आ जाएं. चलें सिद्रा, आप आ जाइए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कैसी हैं? आई एम गुड. सिद्रा, कैसा लग रहा है ये चेंज? डू यू लाइक इट? ग्रेट. बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई हो. वाओ, यू टेल मी. हाय, देखिए मेरा तो जो है ना वो यहाँ पे, बिकॉज सिद्रा इज अ फ्रेंड ऑल्सो, एक बिल्कुल बायस्ड ओपिनियन आएगा, लेकिन उसके बावजूद, उसके अलावा, यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग, यू आर लुकिंग लाइक अ डॉल. और अब मैं ये जानना चाहती हूँ टेक्निकल वाली सारी चीजें, कि इनके बालों से स्टार्ट करते हैं सिद्रा के, कि बाल, बालों में आपने क्या क्या चेंज किया? अगर आप पहले की इनकी दिखाएं ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि हमने क्या काम किया. इनके बाल बहुत खूबसूरत हैं, थिक हैं, लंबे थे मगर वन लेंथ थे, और उसमें कुछ कलर था लेकिन उसमें थोड़ा सा ब्रासी था. तो कलर के बारे में हामिद बताएंगे. वी बोथ डिस्कस्ड के क्या करना चाहिए. सो आई सेट के मुझे थोड़े से जो कर्टन बैंग का स्टाइल है आजकल, दिखा भी रहे हैं. जी जी जी, तो हमने फ्रंट से उनके थोड़े से काटे, लेयर किया, क्योंकि लेयर करने से लोग समझते हैं कि बाल पतले लगेंगे, लेकिन उसमें वॉल्यूम आ जाती है. तो व्हेन यू आर कीपिंग द लेंथ एंड रिमूविंग सम वेट, देन इट एक्चुअली हैज मोर फ्लो, सो शी कैन एंजॉय हर हेयर मोर. एंड बहुत वर्सेटाइल हैं, तो शी कैन वेयर इट वेरी डिफरेंटली. ये आप जब वॉश करेंगी तो आपको फील होगा. और उसी को एनहांस करने के लिए हामिद डिड द कलर. तो ये जब आई थी, तो सिद्रा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड शी रन्स अ यूट्यूब चैनल. तो इन्होंने कहा कि हामिद, मुझे लाइटनेस तो चाहिए एंड्स पे, लेकिन मैं टॉप से ग्रेजुएशन चाहती हूँ डार्क. तो फिर इनका हमने रूट शेडो किया नबीला के साथ कंसल्टेशन करके, एंड वी बोथ अग्रीड. जैसे हमने कल बात की थी कि कलर और कट जो हैं, दोनों बहन भाई हैं, तो हमने काफ़ी डिस्कस किया. इन्होंने कहा गो अहेड, वी डिस्कस द लेयर्स एंड द कटिंग. तो फिर हमने इनका फ्रेंच बालियाज और कुछ रेगुलर रिबन पीसेस अंडरनीथ डाले, और टॉप से हमने इनका रूट शेडो किया. तो ये बहुत सैलॉन फ्रेंडली टेक्निक है, और हमारे ऑडियंस के लिए ये हर कोई जो है आपकी स्किन टोन के मुताबिक आप कंसल्टेशन के बाद ये सर्विस ले सकते हैं. वाओ नाइस. अच्छा सिद्रा, आप वेस्टर्न भी पहनती हैं और आप ईस्टर्न भी पहनती हैं, तो उसमें कितना ज़रूरी होता है कि कुछ ऐसा हेयर कलर हो जो दोनों के साथ चल जाए? एक्चुअली मेरी फील्ड ही ऐसी है कि मुझे जो है वो डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऑडियंस बोर हो जाती है, व्यूअर्स बोर हो जाते हैं सेम हेयर कलर, सेम हेयर स्टाइल के साथ, तो मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए होता है. तो आई थिंक आई एम जस्ट लविंग माई न्यू लुक. थैंक यू नबीला, थैंक यू हामिद. मेकअप का भी आई वुड लाइक टू से कि हमने इनके आई का शेप, अगेन यू नो द राउंड शेप इज अ लिटिल आउटडेटेड, सो वी ट्राई टू मेक इट लॉन्ग एंड स्लॉ Slanting and higher. तो उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके, जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए हमने चीट करके लैशेस से किया है. एंड देन वी केप्ट द स्किन रियली ब्यूटिफुल एंड क्लीन एंड पीची ब्लशी क्रीमी, यू नो ब्यूटिफुल नेचुरल. आई वुड लाइक ताबिश टू एक्सप्लेन कि ये कपड़े कैसे आपने चूज किए. ताबिश आ जाइए. और जो आईज का आप बताए थे ना, राउंड राउंड सेम, सो आई अंडरस्टैंड. हेलो ताबिश, ताबिश कपड़े कैसे चूज हुए? और सबसे पहले तो ये आपको मैं कहना चाहूंगी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सुना आपको सुबह सुबह उठने का बहुत शौक है. आप बुलाए हम ना आए, बड़ा अफसोस है उन्हें कि आज आखिरी प्रोग्राम है, अगले हफ्ते हम बड़ा अफसोस है. इसके बाद जो है ना वो बाजे वाजे लेके आएंगे, वो ताबिश जो है वो बजाएंगे. इतने खुश है ताबिश आज. बट एनीवे, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. एब्सोल्युटली ताबिश, ये बताइए द ड्रेस. So Dabila gave me the vision ke I want something in pastel, something in you know, because of her skin tone also, jo inka hair color unhone you know direct kiya, uske andar unhone kaha ki mujhe I want something very very luxurious and at the same time very glamorous. So you know, I think Sana Safina's ka ye outfit peach color, she really looks
like a goddess in this. Yes, yes, so, she does. Yeah, and with this hair and with all the glamour, you're ready to rock the YouTube channel that you have. ये मिलकर जो है ना वो फोकस भी कर रही हैं एंड सो ना अच्छा इस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने इसको सिद्धा पहना है सो वो खुद बखुद यू हैव लाइक ओन्ड इट वो उस पर आप पर्सोना उस पर्सनालिटी के साथ बिल्कुल सही जा रहा है राइट जबकि आई मस्ट से कि शी वाज नॉट कंफर्टेबल यस्टरडे एंड शी वाज सेइंग कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो क्या सोचेंगे बट ताबिश ने इनको कन्विंस किया कि नहीं हम उसको वील मेक इट फुल प्रूफ फॉर यू एंड आई थिंक दिस रियली आल्सो लेट मी जस्ट टेल यू कि ये पीस इस आउटफिट के साथ नहीं था ओके सो बट वी हैव एडेड इट जस्ट बिकॉज़ के शी वांटेड टू बी अ लिटिल मोर सिक्योर इन टर्म्स ऑफ अ वार्डरोब सो यू नो जस्ट टू एड अ लेयर जरूरी नहीं है कि वो सेम आउटफिट हो कि वो जैसा बन के आया वैसे ही आप पहन लें उसमें आप थोड़ी सी ट्रांजिशन थोड़ी सी अपनी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं बिल्कुल ऑल्सो लुकिंग एट द ज्वेलरी यू नो हर ज्वेलरी इज रियली रियली really minimal like kuch khas hai nahi kyunki we just wanted to add little bit of color just to add glamour around her face so it really looks nice if you look at it Bilkul. just adding little bit of green to the yes main jewelry yahan se main zara thoda sa aage aake oh nice ek statement kind of like piece hai na ab wo itna aisa outfit uske upar jhumke ya uske upar bade bade डायमोंटी वाले इयररिंग्स तो बहुत चीप लगते हैं बिल्कुल सो आई थिंक हाँ थोड़ा सा ऐड करने से बहुत वैल्यू ऐड हो जाती है बिल्कुल और हम देखें यहाँ पे दिखाने का मकसद ये है एंड आई एम श्योर ताबिश आप इसे अग्री करेंगे कि देखें इमेजिन करें कि अगर जो है वो आपने ये पहना हुआ हो और उसके साथ यहाँ पे आपने कुछ गले में पहना हुआ हो सारे ड्रेस का जो अपना एक यू नो लुक है वो कहीं चला जाएगा एंड सारा जो फोकस है वो उस पर आ जाएगा एंड सब कुछ बहुत क्राउडेड बिजी हो जाएगा सो मैंने नबीला से एक चीज सीखी और वो है वेयर टू स्टॉप You know, so that's the actual art. Yes. Yes. एक ही चीज सीखी। बहुत सारी चीजों में ये एक और चीज है। बिल्कुल। अच्छा ये ना देखिए beauty इसकी ये है, because I'm looking at the makeover के it's the whole तो सारे components आप देख लें। बिल्कुल। कि कितना effort है कि dress to hair to proper makeup and the jewelry and suitability for her lifestyle. तो मेरा एक सवाल है खोजी से कि अब audience के लिए ये जो look है, ये क्या किस किस्म की लुक है कहाँ हमारी जो खवातीन है उसको कहाँ इनकॉर्पोरेट कर सकती है वो वेडिंग्स पे इस तरह जा सकती अच्छा। हैं व्हाट्स द इशू इट्स ऑल कवर्ड पूरा आउटफिट है बेल्टेड है इट्स लुकिंग इट्स गिविंग हर बॉडी अ वेरी नाइस शेप शी कैन वेयर इट एट मॉर्निंग जैसे ब्रंचेस वगैरह होते हैं या लाइक ग्लैमरस ब्रंचेस शादी के ब्रंचेस होते हैं या शी कैन ऑल्सो डू लाइक अ एंटायर यूट्यूब शो इन दिस आउटफिट सो देयर इज नो इट्स लुकिंग लाइक अ मॉडर्न साड़ी यस लाइक अ मॉडर्न साड़ी बिल्कुल एब्सोल्युटली हालांकि इट्स अ वेरी वेरी वेस्टर्न गाउन अगर आप लोगों ने नोट किया एक मैगजीन के कवर के ऊपर हानिया आमिर ने ये आउटफिट पहना था सो अगर आप गूगल करेंगे तो आपको तस्वीर मिल जाएगी सो एग्जैक्टली द सेम गाउन बट हाउ इट लुक्स डिफरेंट ऑन डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट बॉडीज इट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ यू कैरी इट एंड हाउ यू स्टाइल इट अमेजिंग अच्छा यहाँ पे हमारे पास ब्रेक पे जाने का टाइम है ब्रेक पर जा रहे हैं लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे जो आपकी फेवरेट अबील खान है उनका लुक इनसे बिल्कुल अलग है लेकिन वो भी बहुत अमेजिंग है वो भी हम आपको दिखाएंगे फिर उसके बाद हमारे पास एक और लुक होगा जो कि फैजान साड़ी पे हम आपको दिखाएंगे खोजी एक्सप्लेन करेंगे फ्रॉम स्क्रैच कलर की बात करेंगे यू नो मेकअप की बात करेंगे जल्दी से छोटी सी ब्रेक से वापस आ जाइएगा चुके हैं हम ब्रेक से वापस और लास्ट मिनट तक भी जो है ना वो हमारे लुक पे काम हो रहा था एक बहुत जरूरी चीज जो मैंने अभी खोजी को देख के आई थिंक इन चार दिनों में सीखी है मॉइस्चराइज अपने आप को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है चाहे हाथ हो पाओ हो और अच्छा खोजी गर्मी हो या सर्दी हो खोजी आपका माइक ये रहा चाहे गर्मी हो या सर्दी हो ओ यस बिल्कुल बिल्कुल वो कहते हैं गर्मी है तो क्या करना हाँ नहीं लेकिन स्किन जो है वो और एक्चुअली अगर आपकी स्किन मॉइस्चराइज ही रहेगी और थोड़ा सा भी कुछ भी अगर किसी का हाथ लगे या कट लगे तो वो फौरन जख्म
जख्म भी होता है राइट। और मॉइस्चराइज करने से आप हमेशा जवान रहते हैं। जवान रहते हैं। आपको राज बता दिया है खोजी ने जनाब। और अब मैं बुलाना चाहूंगी यहाँ पर आपकी फेवरेट, मेरी फेवरेट अबील जावेद को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आप होस्ट नहीं कर रही, सबसे पहला सुकून ये है। हाँ, ये सबसे ज्यादा सुकून वाली बात है। एब्सोल्युटली अबील, आपको मैंने हमेशा देखा तो है लाइक थोड़े से डार्क वाले बालों में, लेकिन मैंने थोड़े से लंबे बालों में देखा है। हाँ। तो आप सबसे पहले ये बताएं कि जब आप गई टू नबीला सलोन, हाँ, तो आपने क्या सोचा हुआ था और आपने क्या कन्वे किया इनको? अच्छा, मैं मुझे पता नहीं क्यों डर सा लग रहा था। मैंने कब जाऊंगी, क्या होगा, और पता नहीं शॉर्ट करवा देंगे, इतने कर देंगे। बट नबीला सो स्वीट, नबीला ने कहा कि आप किस में कंफर्टेबल है। अच्छा, मुझे इतने सारे लुक्स दिखाए नबीला ने कि भाई ये करवाना है, ये करवाना है, कौन सा करवाना है। तो मैं चाह रही थी, मैंने कहा लेंथ लंबी हो, हेयर की बस उसमें स्टाइलिंग हो जाए। तो उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल किया कि अगर थोड़ा सा शॉर्ट होगा तो वो ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा और अच्छा लगेगा। और आई एम सुपर हैप्पी विद दिस। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कराया बट बहुत अच्छा लगा। इतना शॉर्ट जबरदस्त लग रहा है। और अब किस तरह से नबीला आप कट से जो है वो एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे? इनके बहुत खूबसूरत और रिच एंड थिक बाल हैं और इट वाज वर्जिन हेयर। एंड मैंने उनको थोड़ा सा कहा कि आजकल जो है वो बहुत लंबे जो यूं वाले बाल हैं ना, उनका थोड़ा सा फैशन कम है। ब्लंट लाइंस आर मोर इन, एंड इफ यू डू समथिंग विच इज़ रेलिवेंट टुडे देन यू लुक मोर यंगर, यू लुक मोर अप टू डेट। तो थोड़ी सी बाउंड्री पुश करके आई थिंक हमने कोई 2-3 इंच ज़्यादा काट दिए। लेकिन आई थिंक ये जो लाइन सॉलिड आ रही है इससे बहुत अच्छा लग रहा है। और शी वॉज ऑल्सो कम्फर्टेबल विद, ज़्यादा केमिकल्स ना हो, ज़्यादा बालों पे कलर ना हो, एंड वी वर ऑल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज हर हेयर इज़ इन ब्यूटिफुल कंडीशन। आप बताएंगे कि ग्लॉस वगैरह आपने डीप कंडीशनिंग शायद की है तो बहुत अच्छे शाइन आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबीर को तो देखिए, एक होती चीज़ फर्स्ट इंप्रेशन हमारे बिजनेस में। तो जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं बिहाइंड द चेयर तो वो हमें देखते हैं पहली दफ़ा, हम उनको देखते हैं। तो अबीर का इंप्रेशन मेरे पे ये था कि अबीर ने खुद भी बोला कि अबीर वॉज अ लिटिल बिट कंसर्न्ड एंड लिटिल बिट व्हाट्स द राइट वर्ड, आप कह रही थी कि मैं कह रही थी पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। तो व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग टू हर एंड वी हैड अ आई कांटेक्ट, तो ये इनका कॉन्फिडेंस आने में मुझे कुछ 30 सेकंड्स लगे इनको। तो फिर जब हमने एक्सप्लेन किया कि वी आर जस्ट गोना यूज अ वेजिटेबल रिंस ऑन यू विच हैज़ नो केमिकल्स, और इनके अब मैं डॉक्टर हूँ तो ऑन कैमरा बताना पड़ेगा, शी इज़ वेरी यंग एंड आई एम श्योर शी हैज़ सम प्री मेच्योर ग्रेज। तो इनके जो ग्रेज थे, ग्रेज भी डिफरेंट काइंड के, तो थोड़े से ग्रे थे लेकिन बड़े रैटली और स्ट्रैंडी टाइप के, और कुछ यहाँ तक था एक आध कुछ पीस। तो वो एक चैलेंजिंग फैक्टर ये है कि अगर आपने पूरे बालों में रंग नहीं लगाना तो आप उसको कैसे कवर करेंगे। बट विद द स्पेशल टेक्निक एंड द रिंस आपका शाइन भी आया। उसके बाद हमने इनको स्पेशल ट्रीटमेंट एक लगाया जिससे कलर सील हो गया और अब इनकी वो लाइन भी नहीं आएगी, शाइन भी रहेगी, और ये कोई 4-5 महीने के बाद आके फिर वो रिंस लगवा सकती है वेजिटेबल वाला। वाकई जो इनकी शाइन है ना, वो शाइन बहुत अच्छी है। आयशा, जब मैं जब बात हो रही थी डाई की तो मैंने कहा ला मुझे नहीं डाई कराना ऐसा जो मेरे हेयर कलर से लाइटर हो जाए या मेरे हेयर कलर से डार्कर हो जाए, मुझे ऐसा कोई नहीं चाहिए। तो इन्होंने बहुत कंफर्टेबल किया कि जी नो केमिकल, वेजिटेबल डाई है और बहुत अच्छा रहेगा। बट बहुत अच्छा है और इतने शाइनी है, लग रही है, खुद मुझे मजे का लग रहा है। सो ब्यूटीफुल सवाल है मेरे पास, एक नबीला के लिए और दूसरा। हाँ, खोजी ने हमसे भी काउंटर सवाल कर लिए ना, कि मैंने भी तो सीख लेना ऑप्शन है। तो नबीला से ये सवाल है मेरा कि नबीला, हर कोई ये कहता है कि वो सैलून जाएंगे तो बाल छोटे कर देंगे, तो ये परसेप्शन कैसे चेंज हो सकता है? वो देखें परसेप्शन ही है, क्योंकि मैं तो छोटे करती नहीं छोटे, क्योंकि मैं डरती हूँ, क्योंकि मुझे यही होता है कि ये डर ना जाए कि मैंने ज़्यादा काट दिया, बल्कि मैं इनको कट करके दिखाती हूँ कि ये इतने कट रहे हैं। सो दैट्स नॉट ट्रू कि हम बगैर सुने हुए, आपसे भी मैंने बिल्कुल कन्विंस करके हामी भरी आपने, तो फिर हमने किया। अदरवाइज मुझे कोई फर्क नहीं, इट्स योर हेयर, यू नीड टू बी कंफर्टेबल एंड सेम विद यू, आई हेल्प यू पुश द बाउंड्री अ लिटिल कि थोड़ा सा पुश करें तो ज्यादा अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर आप बोलती 2 इंच लंबे छोड़ें तो हम छोड़ देते, हमें कोई इसमें मसला नहीं। एक मेरा कॉमेंट है इनके मतलब कि मैंने वर्ल्ड वाइड काम किया बहुत स्टाइलिस्ट के साथ, आर्ट डायरेक्टर्स के साथ, और बिल्कुल सही है आपका सवाल कि वो बिठाते हैं, कंसल्ट करते हैं और इनको भी पता है और छोटे कर देते हैं। ये एक वाहिद हेयर ड्रेसर टू हेयर ड्रेसर हैं कि इनको मैंने देखा कि ये बड़ी केयरफुल रहती हैं और नहीं करती हैं आपके छोटे, बिकॉज शी नोज कोई फोबिया है कि दिस नॉट ग्रो बैक। अच्छा, यहाँ पे अबील का मैं पैकेज भी दिखाना चाहती हूँ आपको,
कि जो अबील गई थी सर्विसेज मिली वो कंसल्टेशन वो सब कुछ अब आपको दिखाते भी हैं जो हेयर कटिंग या नर्वसनेस के साथ नर्वसनेस के साथ नर्वसनेस हमने छुपा दिए म्यूजिक में अच्छा ओके अच्छा अब मैं चाहती हूँ एक और सवाल था मेरा हामिद से ये जो आपने वेजिटेबल डाइट की बात की क्या है मुझे यकीन था कि आप मुझे कॉर्नर करने मुश्किल सवाल जरूर करेंगे क्योंकि आप भी अभी थोड़ी देर पहले मुझसे मुश्किल सवाल बहुत अच्छा सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है लेकिन एक मेरा और कमेंट है जल्दी से ऑडियंस के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइंट्स डिफरेंट लाइफस्टाइल्स क्लाइंट नंबर वन यूज हर एज एन एग्जांपल यू वुड एग्री वेरी इजी ओपन क्लाइंट क्लाइंट भी कई किस्म के होते हैं वेरी ओपन ट्रस्ट यस रेडी टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स नए तजर्बात आप एग्री करती हैं अ लिटिल बिट रिजर्व क्लाइंट यू नो जिनको पता कि केमिकल क्या करेगा बाल छोटे नहीं हो जाएंगे इन द एंड यू आर हैप्पी और जो हमारी यूट्यूबर थी वो इन द मिडल हैं लिटिल कंसर्न लिटिल ईजी अ लिटिल पुश हमने किया उन्होंने कहा यस एब्सोल्युटली तो डिफरेंट क्लाइंट्स की डिफरेंट नीड्स हैं और उनको डील करने का तरीका भी डिफरेंट है उनको अपने सांचे में उतारने के लिए और उनकी सूटेबिलिटी बताने के लिए आपके सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि वेजिटेबल डाई जी बड़ा अच्छा ऑडियंस के लिए भी जवाब है कि वेजिटेबल डाई में केमिकल्स नहीं होते इट्स वेजिटेबल बेस्ड अब तो वीगन बेस्ड डाइज भी आ गए हैं तो मुख्तसर हमारी ऑडियंस के लिए ये है और नबीला तो बहुत R&D बहुत सारी वीगन प्रोडक्ट्स लेके आ रही हैं आपको बताएंगी भी तो उनका फ़ायदा ये है कि नो केमिकल तो हेंस नो डैमेज नो हेयर कॉम्प्रोमाइजेशन और जो है लाइन ऑफ डिमार्केशन भी नहीं आती अच्छा मैं चाहती हूँ मेरे नबीला से सवाल ये है ब्रेक का टाइम है मैं सवाल अभी पूछती हूँ फिर हम जवाब जो है वो ब्रेक वापस आके लेंगे क्या बस ब्रेक है तो खाने में है मजा स्पॉन्सर्स को भी तो खुश करना होता है जी जी कैसे चलाएंगे वरना हम अच्छा सवाल मेरा ये है कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बताइएगा कि अबील का जो मेकअप है मैंने अबील को बहुत डिफरेंट मेकअप पे देखा हुआ है इनका यूजुअली जो है ना थोड़ा पिंक पिंक होता है लाइनर में लाइनर नहीं देखा है तो मैं नबीला से पहले तो ये पूछूंगी कैसे कन्विंस किया और फिर मैं अबील से पूछूंगी कैसा चेंज लग रहा है और एक्चुअली नबीला को क्यों लगा कि यू नो अब ये चेंज की जरूरत है अबील के मेकअप में हम आपको बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक से फौरन वापस आते हैं वेलकम बैक आ चुके हैं हम ब्रेक से वापस आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो अच्छा यहाँ पर जो है ना वो अबील का मैं चाह रही हूँ मेकअप एक्सप्लेन कर दे नबीला अच्छा जैसे आपने कहा कि मुझे भी बहुत ज़्यादा रेड रेड पिंक पिंक लगता है इनका फेस जो मैंने तस्वीर में देखा और लिप्स जो है हमेशा डार्क रहते हैं थोड़ी रेड के साइड पे ना पिंकिश रेड तो हमने कहा कि इनको हम थोड़ा न्यूड ले जाते हैं और फोकस जो है लिप्स के बजाय आइस पे लाते हैं तो दैट्स व्हाट वी हैव डन एंड आई थिंक बहुत अच्छी लग रही हैं ये बिल्कुल आप जो कह रही हैं मैंने आईज ही सबसे पहले फिर मेरा सवाल यही था सो वेल डन जो आपने सोचा था एक्चुअली मेरी आंखों ने वही सबसे पहले देखा मतलब मैंने शायद छाती पे लाइनर लगाया था और अब मैंने अब लगाया है उसके बाद बीच में कभी लाइनर नहीं लगाया है बहुत सूट कर रहा है बहुत अच्छा लग रहा है एंड द कॉन्सेप्ट वाज कि चेंज करें अच्छा बुरा एक साइड पे लेकिन कुछ चेंज हो कि हमें भी अपना आप मुख्तलिफ लगे अच्छा अब मैं चाहूंगी कि खोजी प्लीज आप जो है वो अबील के वार्डरोब को उसके बाद मेरे वार्डरोब को एक्सप्लेन कीजिएगा कि व्हाई डिड यू चूज दिस फॉर हर एंड दिस फॉर मी So, this is a very, very beautiful piece from Issey Miyake, जो कि मैंने नबीला के वार्डरोब से चुराया है Just because कि अभी के लिए ना कोई आउटफिट इस तरह का कंटेम्प्रेरी भी हो वो कवर्ड भी रहें वो अपने स्किन में भी रहें इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप हर कम्फर्टेबल सो कुर्ते शलवार तो वैसे ही यू नो शी वेयर्स ऑन डेली बेसिस बट वी वॉन्टेड टू गिव हर सम काइंड ऑफ एज वेयर इट लुक्स clean lines she looks composed and she looks glamorous because she hosts a food show and also, she needs to be comfortable I think it's very comfortable yeah yes. she needs to be comfortable so ye main nabila ke wardrobe se jaake churaya and it's an Issey Miyake piece which looks really beautiful andar ek dress hai a long dress hai jiske andar she's covered completely with a organza jacket on top with collar which gives her authority and I think she looks fantastic acha koji ko hi allow us if wardrobe se chale yaar hum uske liye bhi na mujhe bade wo kehti hain kis cheez ke liye kyun kya kisko acha nahi maine approve kar rahi ye nahi dusra kaise kahan se mila ye dress ya bhul jaye lekin acha lag raha hai ye dress is pe aap focus rakhe acha aur ये जो मैंने पहना हुआ है मैंने कुछ और पहना था पहले फिर उसके बाद हम यहाँ पे आए सो ये इस जर्नी को बताइएगा कि व्हाई दिस
I think solid look, solid colors look great on you. Pastels और वो उतने ज़्यादा fascinating नहीं होंगे आपके ऊपर. But this silhouette, you know, is by Sadaf Kaval Fashion, I believe, and the organza dupatta gives you comfort. It gives you that layer that's added. I love the high neck kind of a situation happening. You are comfortable. I love the kurta shalwar feel to it. There are trousers which don't look like shalwar, which are trousers actually. Absolutely. And I love the hemline ke jitna jahan pe end ho raha hai. So also the color palette, I think you need to follow a little deeper color palettes. I think wo zyada warm lagta hai. And I think your hair compliments your yes. Hair bhi compliment ho rahe hain. Bilkul, absolutely. Acha, ab main bulana chahungi hamari supermodel Faiza Ansari ko aur unka dekhte hain ab ye look. Please aa jaiye Faiza, welcome to the show. Good morning. Hello. Wow. Faiza ke kyun na hum baalon se start kare ki aap please explain kare Hamid ke ye baal different hai. And why did you choose to do this hair? Achha, very good. Faiza is obviously different. She stands out. Can I tell a little story before yes. we start? Yes. Mike, ne bolein. When I was working, I've retired, by the way. I don't model anymore. So when I was working, when Nabila ke paas aake, hamesha bolti thi, Nabila, kuch edgy kar dein, shave my head. Mujhe side us zamane mein fashion mein tha side. Ki please just shave my head, kuch kar dein. And she would never touch my hair. She's like, नहीं designer मेरे जो हैं पीछे पड़ जाएंगे मुझे बुरा भला कहेंगे कि you know what have you done? Anyway, so finally this time it was random. I was visiting Karachi and I said, Nabila, I want to do something. And then here I am. Wow. Absolutely gorgeous hair. Absolutely. And actually, यहाँ पे इनका package भी हम आपको दिखाते हैं और package चलेगा फिर हमें explain कीजिएगा color को and then the entire look by Nabila. Please यहाँ पे package चला दें. हम देखते हैं Faiza Ansari का ये package. हाँ, ये explain कीजिएगा Hamid and Nabila. इनका camera कौन सा है? उनका मुझे इत्तेफाक से जब मैं आप लोगों के हेयर कट करने के लिए आ रही थी तो मैसेज आया तो उन्होंने कहा मैं कब आ सकती हूँ मेरे कटिंग डेज कराची में बहुत कम होते हैं मैंने कहा अभी आ जाओ एक घंटे के अंदर आ जाओ तो आज ये हो जाएगा और फिर कल सुबह मॉर्निंग शो में भी आना और हम इसकी बात कर रहे हैं और द रीज़न आई पुश्ड द लिमिट एंड आई सेड के इनको आना चाहिए ऑल दो ये जो हेयर कट है इससे हमारे मासेस बिल्कुल रिलेट नहीं करेंगे मुझे भी बुरा भला कहेंगे इनका भी मजाक उड़ेगा लेकिन मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि देखें हेयर में हमारी मर्जी है हम जो भी कर सकें इनका आप देखें कितने सिंपल हैं ठीक है और इनके उसी को हमने थोड़े से ज़्यादा लेयर करके कलर से खेला है क्योंकि इनकी फील ग्लैमरस है इनकी फील क्लासिक रियल प्रैक्टिकल है आपकी फील प्रैक्टिकल रियल बट अ लिटिल एजी तो उसको हमने थोड़ा वो कर दिया ठीक है हामिद इज़ वेरी क्लासिक एंड थोड़ा बहुत ग्लैमरस तो लेयर भी हैं और हेयर का कलर सिंपल रहता है ताबिश ने कहा कि आई एम वेरी बोर्ड विद माई हेयर वेरी गुड स्टोरी अबाउट माई हेयर सो आई एम वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट माई लुक्स के जो सबसे ज़्यादा चीज़ें मेरे आस पास नजर आएंगी वो मेरे बाल होंगे और मेरे चश्मे होंगे और उसके अलावा तो कपड़े तो फिर बाद में देखते हैं तो ऊपर ऊपर अपने ऊपर तो मैं आई वॉज वेरी बोर्ड ऑफ माई हेयर इज थिक वेवी एंड वेरी रिजिड यू नो सो आई वॉज वेरी बोर्ड एंड आई सेड नबीला व्हाट डू वी डू व्हाट डू वी डू एंड शी सेड वी कैन बाल काटने की जरूरत आई डिडंट वांट टू लूज द लेंथ ओके सो शी सेड वी कैन कलर योर हेयर सो that was a very very drastic change for me for my lifestyle also and it made a lot of difference it in does. My personality you it know does. So it really added a lot of value so you can always change the color and then Nabila can of course elaborate how it happened to isme add the value the first time of course mr Mahmoodi ye bhi hum janenge lekin mera ek sawal hai pehle Nabila aap se very important ki koi agar is waqt hame koi aisa insaan dekh raha hai jo ki you know afford nahi kar sakta ki wo ja kar jo hai wo koi transformation le ya is tarah ka koi bhi makeover karwaye to is there any way कि वो आपसे राबता कर सके या सीख सके या कुछ भी जो है वो मेकओवर करवा सके बिल्कुल हमें अक्यूज़ किया जाता है कि बहुत महंगे हैं पहले तो महंगे नहीं हैं सेकेंडली वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें आप अगर हमारे से राबते में रहें देखते रहें क्या हो रहा है हमारे इंस्टाग्राम को हमारे टिकटॉक को आप फॉलो करते रहें जो कि नबीला _सैलों हमारा इंस्टाग्राम है और यू नो
नबीला चैनल जो है हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम मेकओवर्स करते हैं. वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर गुड स्टोरीज एंड गुड इंटरेस्टिंग फीचर्स जिनका हम चेंज कर सकते हैं फ्री हैंड के साथ, तो वो हम हमेशा रिकॉर्ड कर रहते हैं. वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर रियल पीपल. सो आप अपना केस हमें भेजें, यू कैन विन अ फ्री मेकओवर एंड वी कैन रिकॉर्ड इट फॉर यू. उसके अलावा हमारी ट्रेनिंग्स जैसे हमिद ने कहा बहुत एक्सटेंसिवली होती हैं, चाहे वो कट की हो, मेकअप की हो, कलर की हो, हेयर स्टाइल की हो, तो हमें हमेशा मॉडल्स चाहिए होते हैं. तो यू नो यू कैन एक्चुअली कम एज अ मॉडल. ठीक है, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, थोड़ा हम बैक स्टेज वाली फील होगी कि हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं इंट्रोड्यूस करा रहे न्यू. सो बी फ्लेक्सिबल बट यू विल गेट इट डन फॉर फ्री. और पर्सनैलिटी पे जो हम बात कर रहे थे ना, फाइजा ने जो अपनी स्टोरी बताई, शी इज ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एजी एंड शी इज अ सुपर मॉडल. आप उनकी हाइट देखें, आप उनके लुक्स देखें, द काइंड ऑफ क्लोथ शी वेयर्स, शी डजंट इवन लिव इन पाकिस्तान. तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है. हम सबकी रिक्वायरमेंट अलग है. तो शी टोल्ड मी गिव मी समथिंग कंप्लीटली क्रेजी. इन्होंने तो कहा शेव कर दो सर मेरा, लेकिन वी सेड नो, वी विल गिव अ वेरी नाइस स्कल्प्टेड यू नो फ्रेंच क्लासिक बॉब फील. और इसको अगर ये एफर्टलेसली भी धो के स्क्रंच भी करें तो बड़े मज़े के होते हैं. व्हेन आई वाज कटिंग शी वाज रियली एंजॉयिंग इट. लेकिन इसको एनहांस करने के लिए हामिद हैज डन अ स्पेशल कलर एंड यू कैन शो द पीस आल्सो हाउ इट कैन बी सो वेरी क्विकली बिकॉज जल्दी से बता दें बिकॉज जाने का टाइम हो गया. ये मेरे लिए तो बहुत फन था बिकॉज आई केम फ्रॉम द वेस्ट, तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज था. आप ये देखिए कि इनका अंडरनीथ हाफ मून सेक्शन है एक, और उसको प्री लाइटन करके तो हमने बहुत डीप प्लम रेड डाला है एंड दिस ऑल एक्सेंचुएट्स द बॉब. ये जो डार्क बेस है तो ये भी बोल्ड है, एजी है. बट अगर हमारे पास 15-20% भी ऐसा क्लाइंट है, यू नो यंगर पीपल, सो व्हाई नॉट, वी हैव टू केटर टू एवरीबॉडी. तो प्लीज डोंट हेट अस, दिस इज अ ब्यूटीफुल कलर एंड कट. जो आप बिल्कुल जाने का टाइम हो गया, सॉरी, जो आप चाहते हैं इन जल्दी से कह रहे हैं. वी ऑलवेज अंडर एस्टिमेट द मासेस. ये जो नई जनरेशन है जेन ज़ी, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके साथ यू नो कोई डिफरेंट उन इंडिविजुअल हेयर स्टाइल. तो वी डोंट अंडरएस्टिमेट द मासेस. हमने यहाँ पे सारी आपको जो है ना वो सारी रेंज दिखा दी है, जो चीज आपको पसंद आती है, जो आपको लगता है आपकी पर्सनालिटी के साथ जाती है, आप नबीला के सैलून पे जा सकती हैं. और इसके साथ साथ जो है वो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ टीम नबीला का कि 5 दिन इन्होंने हमारे साथ गुजारे हैं. रोजाना सुबह मैंने इनसे देखा है, सीखा है हार्ड वर्क, यू नो डेडिकेशन. कोई चीज सही हो रही, 4 लोग भी मिलकर उसको सही कर सकते हैं, एक इंसान भी सही कर सकता है, जब तक वो चीज सही नहीं हो जाती जैसी के चाहिए. सो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच द इंटायर टीम नबीला. एंड मैं सबके नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि सारे लोग जो हैं वो इक्वली अमेजिंग हैं. एवरीबडी इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. आई होप कि आपको ये शो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अपने बालों के मुतालिक, मेक ओवर के मुतालिक, इमेज के मुतालिक. और अगर कोई क्वेश्चन अभी भी रह गए तो आप नबीला से जाके और खुद we want to thank you our backstage team also because without them we are nothing. Absolutely, yeah. बिल्कुल, the entire team नबीला. अब हम चाहते हैं आपसे इजाजत, लेकिन बिल्कुल जब आप जाने लगेंगे तो आप एक पैकेज देखेंगे और वो पैकेज को देखते देखते जाइएगा कि 4 दिन में हमारे पास क्या क्या हुआ है मंडे से लेके फ्राइडे तक. और अब हम आपसे मिलेंगे एक हमारी फ्रेश एपिसोड के साथ मंडे को. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. आई होप आपको शो अच्छा लगा हो टीम नबीला की जानिब से और हमारी जानिब से. अल्लाह हाफ़िज़.